मटन कोरमा तो हर घर में बनाया जाता है, पर सबका टेस्ट अलग अलग होता है। आप हमारी रेसिपी से एक बार ट्राई कीजिए, आपको बिल्कुल शादियों वाला मटन कोरमा मिलेगा। तो हम इसे जिस तरीके से बनाते हैं उसी तरीके से आपको बताएंगे। यहाँ पर हमने 1 कप तेल लिया है, सनफ्लावर ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं और इससे कम भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप तेल भी इतना ही यूज़ करें, जो लोग कम तेल खाते हैं तो वो कम तेल यूज़ करें। इसमें हमने 4 छोटी प्याज को बहुत ही बारीक बारीक काटा है ताकि हमें भुनने में ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो हमने यहाँ पर 4 प्याज ली है बारीक काट कर। अब इस प्याज में डालेंगे 1 टीस्पून भर के नमक, इसे मिक्स करेंगे और हम डालेंगे गोश्त। तो गोश्त हमने 1/2 किलो गोश्त लिया है, 1/2 kg, और ये विद बोन गोश्त है। तो ये हम इसमें मिला देंगे, हमने अच्छे से इसको वॉश कर लिए। इस प्याज में हम इसको मिला देंगे। अभी हम प्याज को भून नहीं रहे, इसमें हमको पहले गोश्त को गला लेना है थोड़ा, यानी कि 80% तक हम गोश्त को गलाएंगे, उसके बाद हम आगे के मसाले डालेंगे और गोश्त की भुनाई करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 ग्लास पानी, ये हमने पूरा ग्लास लिया है पर हम इसमें से 1/2 ग्लास ही डालेंगे इसमें, क्योंकि गोश्त भी अपना पानी छोड़ेगा। और इसको कुकर का ढकना लगा के हम 2 सीटी लेने के बाद इसको 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखेंगे। 2 सीटी के बाद 15 मिनट लो फ्लेम पर, हमने 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको रखे थे, उसकी प्रेशर अपने आप निकलने दिए है और अब हम इसको ओपन कर रहे हैं। गैस की फ्लेम को हमने ऑन कर दिए क्योंकि हमें अभी इसकी भुनाई करनी है। तो ये हमारा गोश्त हम देखेंगे अगर तो ये 80% जो है कुक हो चुका है, देखिए आप गल चुका है लेकिन पूरा टूट नहीं रहा है। तो अब हमको इसको भुनाई करनी है, इसके लिए हमने इसको सिर्फ 80% ही गलाए। अब हम इसमें सारे हमारे मसाले डालने वाले हैं, जिसमें हमने लिए 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट है, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है, थोड़ी सी हमने 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है खुशबू के लिए। तो ये डाल देंगे हम पहले। फिर हमने यहाँ पर 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिए, 1/2 टीस्पून हमने हल्दी लिए और 3 टीस्पून हमने धनिया पाउडर लिए और 1/2 टीस्पून हमने ज़ीरा पाउडर लिए हैं और गरम मसाला पाउडर हमने लिए 1 टीस्पून। तो इन सारी चीज़ों को हम इसमें मिला रहे हैं। अभी हम इसको ज़रा बॉईल आने देंगे और अच्छे से थोड़ा भून लेंगे। अब इस मसाले में हम डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून हमने भर के घर का गाढ़ा दही लिया है, तो ये हम इसको डालेंगे इसमें और इसको मिक्स कर देंगे। और अभी हमको इसको और पकाना है, यानी हमने 80% गोश्त गला लिया, मसाले डालने के बाद हमको इसको 20% और पकाना है। तो अभी हम इसको फिर से कुकर का लिड लगा देंगे और इसको 1 सीटी आने पर हम इसको फिर से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रहने देंगे। 15 मिनट लो फ्लेम पे और रखने के बाद अब हम इसको ओपन कर रहे हैं। हमने इसमें दोबारा पानी यूज़ नहीं किए थे क्योंकि वो मटन का भी पानी था और हमने पहले 1/2 ग्लास जो पानी डाले थे। तो आप देख सकते हैं कि हमें जितनी थिकनेस चाहिए कोरमे की उतनी आ चुकी है। अभी हम इसके गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। चाहें तो शुरू में जो गोश्त आप भूनेंगे अगर प्याज को, तो तमाम मसाले जब भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर हाफ डन होने के बाद आप डालेंगे तो ये टेस्ट ही अलग होता है, ग्रेवी का बहुत अच्छी बनती है। और इसमें अभी हम 1 टीस्पून मिर्ची, यानी 2 टीस्पून हमने डाले थे, 1 टीस्पून हम इसमें और डालेंगे क्योंकि जो मिर्ची का ऊपर से डालने पे जो फ्लेवर आता है कोरमे में तो उसका टेस्ट अलग होता है। इसके लिए अभी हम इसमें 1 टीस्पून और डालेंगे। और ये देखिए अब सारा जो ऑयल हमने यूज़ किए थे सारा सरफेस पे आ गया, यानी तमाम मसाले भी भुन चुके हैं, सब प्याज हर चीज़ भुन चुकी है और गोश्त भी हमारा गल गया होगा। मैं आपको बताते हैं तरीके से, देखिए गोश्त बहुत ही अच्छे से गल चुका है। अब इसे मज़ीद हमें भुनने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम इसको सर्व करेंगे। आप एक बार ये ज़रूर ट्राई कीजिए, शुरू में मसाले मत डालिए और हाफ डन होने के बाद डालिए, तो आपको उसका टेस्ट अलग ही लगेगा खाने में। अब हम इसकी तरी डालेंगे।
हमारा मटन कोरमा सर्विंग के लिए रेडी है। Look in the mirror, tell me what do you see? Don't be blind, tell me now what do you see? You're created by